तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हादसा हो गया। अगर सांप काट ले तो बार बार हम बोलते हैं दोस्तों हॉस्पिटल लेके जाएं और ये बहन की आत्मा को भगवान शांति दे। दोस्तों यहाँ के पब्लिक का कहना है कि सांप को जो है इनके पास लाइए, इनसे विष जो है ये चूस लेगा, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं पंकज सा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी हम लोग फिलहाल रेस्क्यू कॉल पे हैं और रेस्क्यू करने के लिए एक स्नेक को जा रहे हैं और वहाँ पे एक बच्ची को जो है स्नेक बाइट कर लिया है। और हम हैं और हमारे पास जो है हमारे मित्र परम मित्र जो है SP यादव, सर SP यादव है। तो हम दोनों चलेंगे और वहाँ पे पूरा रेस्क्यू होगा और जो भी है वहाँ का जो भी वो सारा वीडियो इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे। एक बच्ची को स्नेक बाइट हो गया है और वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि वो बच्ची मर गया है। दोस्तों चलेंगे, उस बच्ची को भी दिखाएंगे और वहाँ जो एक स्नेक्स जो उस घर में एक स्नेक है उस स्नेक को भी कैच करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिए, चलते हैं, आप बने वीडियो में बने रहें, वीडियो में जरूर बने रहें। थोड़ा हम खोजबीन करते हैं, लड़की किधर है? देखिए हमको यहाँ से कॉल किया था, ठीक ना? वही यहाँ से कितना दूर है देवस्थान? दोस्तों वो लड़की को अभी भी देवस्थान में रखे हुए हैं, तो थोड़ा हम देवस्थान भी जाते हैं, तो उस बच्ची से आपको मिलाते हैं। चलिए हम बच्ची के पास जाते हैं थोड़ा सा। कितना दूर है यहाँ से देवस्थान? पूरा कड़ा हो गया था, जैसे मायागंज से आने है ना, वहाँ से बोला मायागंज में बोला खत्म हो गया, तब हम सब वहाँ जबरदस्ती लेकर भागे। ऑक्सीजन लगाया तो होश आया, फिर उसे सलाइन चढ़ाया, आधा बोतल सलाइन खोने वाले उसे ऐसे ब्लड जाते रहे, वो रिएक्शन कर गया, मतलब उल्टा जब इसका दवाई है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये छोटी बहन को इसने बाइट कर लिया है, अभी देवस्थान में ही इसे लेटाया गया है, देख सकते हैं। और इसको जो स्नेक बाइट किया था, थोड़ा सर इधर जूमिंग कीजिएगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको स्नेक बाइट जो किया था इसी जगह किया, और इतना टा फारने का एक ही मकसद है कि इसको कोबरा यानी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक बाइट किया है, यानी जिसको खरीक बोला जाता है, ठीक है ना? दो बिंदा होगा, एक इस जगह होगा, एक इस जगह होगा, दो बिंदा होगा। काहे कि ये जो फाड़े है ना, यही देख के मतलब हम समझ गए कि इसको जो कोबरा बाइट किया है। इसका मिट्टी हो गया है और काफी यहाँ ये सब टाइम इन्वेस्ट कर दिए और अभी भी इसे देवस्थान में ही सुलाया रखा है, ठीक ना? क्या इसका क्या आप लोग करना चाहते हैं बताइए? ये जिंदा होगा? नहीं, अगर नहीं इसमें एक अरब भी अपना पूरा संपत्ति गांव वाले का भी बेच दीजिएगा ना, तो ये अभी जिंदा नहीं हो सकता। नहीं होगा, नहीं, जो इसका क्रम है वही करना जी, पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं? नहीं, मतलब देखिए एक हम सलाह देते हैं, ठीक ना, एक सलाह देते हैं कि अगर आप पोस्टमार्टम कराते हैं तो हम 4 लाख इस दिला देंगे। नहीं नहीं, पैसा क्या करें? पैसा हमको नहीं चाहिए भैया, पैसा जब बच्चा नहीं रहा तो। हाँ वो तो देखिए, तो क्या करेंगे? देखिए इसका, देखिए शरीर जो पूरा ठंडा हो चुका है, ठीक ना, पूरी तरह से। हाँ वही तो सबसे बड़ा गलती है, अगर देखिए करके ना, बाबू तुम कहाँ से बोल रहे हो? हाँ वही लड़का था, उसको हम पूछे कि कहाँ से बोल रहे हो? बोला वासुदेवपुर से बोल रहे हैं। बोले किस जगह है? बोला कि रतनगंज कुलहरिया के जस्ट बगल में। सांप काट ले तो बार बार हम बोलते हैं दोस्तों हॉस्पिटल लेके जाएं और ये बहन की आत्मा को भगवान शांति दे। अब तो जो हादसा होने का था हो ही गया, आप देख सकते हैं ये 12 साल की लड़की थी और इसका देहांत हो गया इस इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा से। यहाँ से इसको जो है ना बाबा स्थान से देवस्थान से उठाइए, जो इसका संस्कार होता है, जो इसका कर्तव्य है उसको आप कीजिए। अब ये तो बन, हाँ
अब ये बहन जिंदा नहीं हो सकती, चाहे जहाँ से उठा कर ले जाए। जी जी कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है। ये बारह साल लड़की को स्नैक बाइट किया था, इस जगह आ गया, इसी जगह उसको स्नैक बाइट पेज में किया था, जो कि आपको हम खुद दिखा दिए। उसको इसका नाला इकला हुआ है, ये निकला हुआ है, तो उसको भी हम दिखाते हैं। आप वीडियो में जरूर बने रहेंगे, निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। इसको देखिए मशीन है आस पास में, मशीन हाँ, मोटर से इसमें पानी दीजिए। हाँ मोटर से पानी दीजिए, तो डायरेक्ट प्रेशर द्वारा पानी दीजिए। इधर भी दोस्तों आप देख सकते हैं, स्नैक बाइट होने के बाद देखते हैं आप, ये धूमना भी जलाते हैं, काफी अलग अलग, ये पुराने जमाने का ये अंधविश्वास फैले हुए हैं जो खाली है, हमको वहाँ कह रहा है। आप देख सकते हैं ये खाली है, इस सबसे कुछ नहीं होता है दोस्तों, आप लोग तो समझ ही रहेंगे, लेकिन मेरे बूढ़ी माता सब का ये सोच है कि खाली जलाने से घर से सांप निकल जाता है। हाँ ये सब मतलब हमारे पूरे पुराने जनरेशन का जितने भी हमारे बूढ़ी माता सब है, उन लोग को पूरा भरोसा है कि खाली जलाने से सांप निकलता है। तो दोस्तों आप वीडियो में जरूर बने रहे, कोदार लाइए, इसको हटाइए, इधर कुछ नहीं है, इधर इसका वो होगा ना, इधर नाली होगा, नाली बंद, इसको खोलिए ना, मेरा YouTube पे है नंबर, हर वीडियो में नंबर, अरे नंबर ढूंढ के ये सभी कला हर वीडियो में हम नंबर देते हैं। मेरा घर दरियापुर हुआ, अरे घर पे उधर किसी को गैंग्रीन बीमारी हो जाता है, यानी अंदर से आपका शरीर अंदर से सड़ना स्टार्ट हो जाता है। हल्ला
हल्ला कीजिएगा सब नहीं निकलेगा, ठीक है? हल्ला अगर कीजिएगा तो सब फिर डूब जाएगा, वो शांत बना के सब दूर हट जाइए, दिखा देंगे हम सब आप लोग। दोस्तों काफी मेहनत के बाद जो है सब निकला है, दिखाई दिया है, और प्रयास करते हैं हम लोग। दोस्तों काफी समय पा रहा है, एक से डेढ़ घंटा हम लोग को यहाँ मेहनत करना पड़ा, काफी तोर फोर अंदर भी मिलते है, और यहाँ समर सेवल द्वारा पानी दिया गया तभी ये समय निकले, और इसको घूरने के बाद समय को देख लिया है, और यहाँ काफी खौफनाक मंजर है। तो दोस्तों दिखाते हैं समय को, आप वीडियो में बने रहिएगा, धीरे धीरे और कुछ ना है ना। उधर भी ध्यान दीजिए, ठीक है उसे करो, उसे करो, ठीक है उसे करो, उसे करो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दोस्तों आप देख के समझ सकते हैं ये भारत का सबसे जहरी आसमिक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी खरी का, और दोस्तों यही समय को लड़के को बाइट किए थे, भारत का सबसे जहरीला स्नेक है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और इसे साइंस में इसे नाजा के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, और हुरकुचने के बाद थोड़ा इसे चोट भी पहुंच चुका है, आप देख सकते हैं इसका थोड़ा भोटी निकल गया, तो ट्रीटमेंट इसका हम कर देंगे। दोस्तों ये स्नेक बाइट किया था और लड़की का मृत्यु हो गया है, तो दोस्तों लड़की को भी दिखाते हैं, और ये अभी बेबी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी खरी का दोस्तों, इसे हमारे यहाँ गेहूमान भी बोले जाते हैं, और इसे उत्तर प्रदेश में पलटू भी बोला जाता है दोस्तों, हाँ छोटा ही है लेकिन इस ये पॉइजनस स्नेक है, आप देख सकते हैं, हाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ये छोटी हो गया दोस्तों, थोड़ा इसका हम रोटी अंदर कर देते हैं और दांत भी दिखा देते हैं इसका, अरे मोटर बंद करवा दो, मोटर बंद करवा दो मारो भैया, तो मोटर दोस्तों इसका भोटी बाहर आ गए थे, इसे हम अंदर कर दिए, और इसका हम मलहम पट्टी करके जंगल में फिर इसे हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों हम इसका थोड़ा दांत दिखाते हैं, थोड़ा एगो डंडा उठाइएगा कोई छोटा जी सा, उधर अंदर अंदर इधर इधर देखिए, आप लोग को दांत हम दिखा देते हैं, आप लोग दूर से ही देखिए, यही दांत है, और छोटी लड़की को यही ये दांत गराया था, देखिए दिखाई दे रहा है, मात्र कोबरा स्नेक को दो ही दांत होता है, दोस्तों थोड़ा इस जगह हम इसे छोड़ते हैं, तभी एक डिब्बा लाइए ठीक ना, वो डिब्बा लाने का कुछ नहीं होगा, उसको कटवाने से क्या होगा, ये जहर टन लेगा, कुछ नहीं होगा, इसका समय खत्म हो गया, और ये काफी छोटा स्नेक है ठीक ना, कोई बड़ा भी नहीं है, नहीं है ये, हाँ और इधर सुनिए, स्नेक दूध नहीं पीता, कोई भी स्नेक दूध नहीं पीता है, और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम यानी जहर पाया जाता है, अगर ये काट ले तो एक हफ्ते का, देखिए और जितने ये के पास बड़े बड़े मोबाइल है, मेरा YouTube चैनल है एसपी यादव नाम करके, हम एक रुपया पैसा पकड़ने का नहीं लेते हैं, एक बार भी बोले कि किसी को हम पैसा लेते हैं नहीं बोले हैं ना, बस मेरा चैनल को सब सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह आप लोग का सेवा में 24 घंटा हम तत्पर रहेंगे, एक रुपया हम पैसा नहीं लेते, अगर खुशी से पेट्रोल खर्चा दे दे तो रख लेते हैं, लेकिन अगर नहीं भी दे तो खुशी खुशी से चले जाते हैं, अगर आपका हम मदद कर दिए तो वही मेरे लिए सौभाग्य है। दोस्तों इस जगह हम छोड़ते हैं, देखते हैं ये फंड पे आता है, छोड़ते हैं पूरी बनाइए आप लोग, आप लोग का भी डर नहीं लग रहा है,
किसी को रपेट के नहीं करता है, ये स्नेक जो है किसी को रपेट, ये स्नेक किसी को रपेट के नहीं करता है, ये नहीं करता है, नहीं रपेट के नहीं काटता है। आप लोग सोचते होंगे कि ये पकड़ लिया इजी वे में, तो ये बिल्कुल अभी डरा हुआ स्नेक बलाओ ना एक बार भैया बच्चे के पास दीजिए ना दोस्तों, अभी बोल रहे हैं एक बार बच्चे के पास देने के लिए, अभी बच्चे हैं दोस्तों काफी बोल रहे हैं ये बच्चे के पास देने के लिए, और ये मांसाहारी जीव है। हाँ, देखिए देख सकते हैं दोस्तों, इस जगह लड़की और सनेक को इसी जगह बाइट किया था, अभी ये नहीं काटेगा, इसका क्या लिया, खत्म हो गया, ये चल गया, इसको काटेगा वो थोड़े, ये भी समझ रहा। देखिए दोस्तों आप देख सकते इसको हैं, ये भी समझता है, इसको ज्ञान है कि देखिए इसके अंदर जो है सनेक को बुद्धि नहीं है, ठीक ना, आप लोग देखिए, आप लोग अभी सुन लीजिए, ठीक ना, हम रोज यहाँ नहीं आएंगे, आप लोग मेरा सुन लीजिए, देखिए सनेक के अंदर जो है बुद्धि नहीं होता है, सनेक के अंदर दोस्तों बुद्धि नहीं होता है, और यहाँ के लोगों ने बोला कि इसके ऊपर रखने के लिए, तो ये क्या करेंगे, ये बिल्कुल शांत है, जब तक ये हिलेंगे नहीं तो तब तक सनेक बाइट करेंगे नहीं, जब हिलेंगे तभी ये बाइट करेंगे, हिलवाओ ना, हमें बहुत दूर आप लोग बनाए रखना है ना, अरे मैं करेगा क्या काटेगा, आप दोस्तों यहाँ के पब्लिक का कहना है कि सांप को जो है इनके पास लाइए, इनसे बीज जो है ये चूस लेगा, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, यहाँ का जो भी इन लोग का कहना है, इन लोग को बात को हम लोग मानते हैं, फिर भी हम लोग समझा रहे हैं कि ऐसा ये नहीं करता है, ये पूरी तरह से अंधविश्वास है, ये पूरी तरह से अंधविश्वास है, हम लोग अंधविश्वास मिटाने के लिए ऐसा दिखाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं जो कि वायरल होता है और लोग जानकारी पाते हैं। इसी जगह स्नेक बाइट किया था दोस्तों, काफी अंधविश्वास फैला हुआ रहता है और पूरा प्रयास करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, पर गांव वाले का कहना है कि इसका अगर वो खून चूस ले तो ये जिंदा हो सकता है ना, इस जगह खून अगर बोलता है ना पुराने जनरेशन का, तो इस जगह का खून अगर चूस लेगा तो जिंदा हो जाएगा दोस्तों, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, खून चूसने के बाद जिंदा होता है, मरा हुआ आदमी तो कभी जिंदा नहीं हो सकता भैया, ये हम लोग का सोच है दोस्तों, करते हैं बट लेकिन हम लोग यहाँ के पब्लिक का जो डिमांड था उस डिमांड को पूरा कर दिए हैं दोस्तों, इसको बिहार में जो है खड़ीस नाम से जाना जाता है, और भारत में इसको भारतीय नाग के नाम से जाना जाता है, और इसको इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है, और साइंस में इसको नाजा के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसके काटने के बाद दो घंटे के अंदर जो है आप डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँचिए, झाड़ फूँक में नहीं पहुँचिए, झाड़ फूँक में अगर जाइएगा तो नतीजा लास्ट यही होगा, तो दोस्तों हम लोग आपसे यही अपील करते हैं और हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं कि आप ऐसा काम कदापि नहीं करें जिससे कि इस तरह का हादसा हो जाए और समाज को इससे दुष्प्रभाव पड़े, तो दोस्तों इस तरह का वीडियो हम इसलिए बनाते हैं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, जिससे कि इस तरह का अंधविश्वास मिट जाए, अगर किसी बच्चे को या किसी आदमी को स्नेक से बाइट होता है तो डायरेक्ट आप हॉस्पिटल पहुँचें, इस तरह का कार्य ना करें, आप अंधविश्वास में ना पड़ें, किसी भी देवी स्थान, किसी भी झाड़ फूँक, किसी भी मौलवी जंतर अंतर मंतर किसी के पास नहीं जाएं। तो दोस्तों यह मेरा काम अंधविश्वास मिटाने का है और समाज में जागरूक फैलाने का काम है, तो आप लोग से हम उम्मीद करते हैं इस तरह का काम आप कदापि नहीं करें, यहाँ का पब्लिक का डिमांड था कि आप जो है जो सांप इसको बाइट किया है उस सांप को इस मृत लड़की के पास लाइए, हो सकता है ये सांप जो है बीस अपने अंदर फिर पुनः चूस ले, पर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, हम लोग भी यही बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है, पर यहाँ का लोग का कहना था कि नहीं अगर आप यहाँ सांप लाते हैं तो यह बीस को जो है पुनः लड़की से चूस लेगा और फिर लड़की जिंदा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इस तरह का नहीं हुआ, अभी आप लोग को डर लग रहा है इससे, अच्छा से सुरक्षित से इसे हम पैक कर दिए, दोस्तों मिलते हैं किसी वीडियो में, किसी जीव जंतुओं को किसी की रक्षा करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।